तो आज मैं बात करने वाला हूँ गाय रिची की द कॉन्वेंट का। ये एक वॉर सर्वाइवल ड्रामा मूवी है जिसमें आपको जैक गैनाइल अहम भूमिका में दिखेगा। तो इस मूवी को गाय रिची के नाम से ही प्रमोट किया जा रहा है। तो आप लोगों को नहीं पता तो इन भैया ने रॉक एंड रोल, वॉर्ड ऑफ मैन, अलादीन, ऑपरेशन फॉर्च्यून जैसे एक्शन गैंगस्टर स्पाई वाली मूवीज बनाई है, पर ये मूवी उनसे हटकर है। तो आज मूवी के पॉजिटिव के बारे में बात करेगी, आखिर आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। मुझे इस मूवी में सिर्फ एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगा, उसके बारे में भी बात करेगी। तो ये स्टोरी अफगानिस्तान की, जहाँ यूएस मिलिट्री तालिबान के खुफिया अड्डों को ढूंढती है और उन अफगानी लोगों को वीजा प्रोवाइड करवाती है जो यूएस मिलिट्री का साथ देते हैं। पर ये तो एक सिर्फ मूवी के ऊपर ही सार है। ये कहानी है किल्ली जो एक सार्जेंट है, उनके किसी मिशन के दौरान एक अफगानी अहमद किल्ली को बचाता है और लगभग 100 किलोमीटर पैदल खींचकर सेफ पहुंचाता है। बात करें इसके पॉजिटिव की, तो सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी जो हर किसी को देखनी चाहिए कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे जवान कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। उसके बाद इस मूवी के कैरेक्टर, खास करके अहमद का, बंदे ने मेन हीरो की सारी लाइमलाइट ले ली, इतना जबरदस्त। और जो वो करता है ना मूवी में, आप देखोगे तो आप खुद सैल्यूट करोगे उसको। उसके बाद इस मूवी का एक्शन, जब सारे साथी मिशन पर निकलते हैं, जिस तरह से एक्शन को कोरियोग्राफ किया है, आपको जैसे पबजी में इतनी टफ सिचुएशन देखने को मिलती है जैसे आपके कुछ साथी मारे जा चुके हैं और आपको चिकन डिनर करना है, और जिस तरह से आप लास्ट तक सर्वाइव करते हो वो इस मूवी में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस मूवी का इमोशनल अटैचमेंट जो आपको कैरेक्टर से बहन सा देगा, और कितनी बार तो ये कैरेक्टर इतनी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं आपका दिल भी खेल उठेगा कि अब क्या करेगा आपका हीरो। उसके बाद वैसे तो ये मूवी एक वॉर ड्रामा है, पर आप इसे वॉर ड्रामा ना समझकर इसे एक बंदे के भाईचारे के लिए देखें कि कैसे एक बंदा अपनी जान पर खेलकर ऐसे बंदे की जान बचाता है जिससे उसका ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, जिस तरह से एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया है, दिमाग का पूरा यूज किया गया है, सीन्स देखकर आप समझ जाओगे। उसके बाद इस मूवी का डायरेक्शन, जिसे शुरू के स्टार्टिंग मिनट में पबजी में जैसे लॉबी होती है, सब मिशन के लिए वार्म अप होते हैं, उसके बाद मिशन में पोचिंग की वाला बवाल, मतलब आगे पीछे सब जगह से गोलियां चल रही है, और टैंकर, कार्स, ब्लास्ट, कैंपिंग वगैरह भी देखने को मिलती है वो पूल पर, फिर रिवाइव वाला सीन भी देखने को मिलता है। मतलब आप पबजी खेलते हो तो आपको ये मूवी बिल्कुल सिमिलर लगेगी। उसके बाद इस मूवी का बीजीएम, चाहे सॉन्ग एक ही हो पर बीजीएम जानदार फुल मजा देता है। नेगेटिव में सिर्फ यही है कि मूवी के स्टार्टिंग में आपको अफगान और तालिबानी लैंग्वेज सुनने को मिलती है, जो वैसे तो मेन कॉन्सर्ट पर ज्यादा असर नहीं करती, फिर भी सबटाइटल्स की जरूरत पड़ेगी। ऑल ओवर की बात की जाए तो ये मूवी अब तक की बेस्ट वॉर ड्रामा निकल कर आती है, जिसमें सर्वाइवर ऐसा कि आपको लास्ट तक देखने पर मजबूर कर देगा कि भाई आगे क्या होगा। वॉर ड्रामा वालों के लिए तो है ही, पर ये एक ऐसी दोस्ती को दिखाती है जो हर किसी बंदे को देखनी चाहिए, और सारी बातों को छोड़ भी दे तो ये मूवी आपका दिल जीत लेगी।